सोमवार के दिन शिव पूजन में भूलकर भी न करें, ये गलतियां हो सकता है भारी नुकसान। किसी भी भगवान की पूजा का एक अलग विधान होता है और उसी के अनुसार पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को भोले भंडारी भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि भक्तों की पूजा से शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। भगवान शिव बेहद दयालु हैं। वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। वे उनकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मुख्य रूप से सोमवार के दिन व्रत करने से भगवान शिव एवं माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कुंवारी लड़कियां सोमवार का उपवास करती हैं एवं शिवजी की पूजा उपासना करती हैं, उन्हें भगवान शिव जैसे पति मिलते हैं। लेकिन अगर शिवजी की पूजा अर्चना में किसी प्रकार की भूल हो जाए तो भगवान रुष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनकी पूजा अर्चना करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव की पूजा में किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। नमस्कार मित्रों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। इस रंग के वस्त्र धारण करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार के दिन शिवजी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसलिए इन रंगों को धारण करें। भूलकर भी पूजा में काले रंग के कपड़े न पहनें। सोमवार के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन फलाहारी व्रत का ही पालन करें या फिर मीठा भोजन करें। कोशिश करें कि इस दिन केवल मीठी चीजों का ही सेवन करें। ऐसे करें शिवजी की पूजा अर्चना। सोमवार के दिन शिवजी की पूजा के साथ माता पार्वती और नंदी की भी पूजा अवश्य करें। शिवजी की पूजा में रोली, हल्दी या सिंदूर का तिलक नहीं करना चाहिए। आप उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव को चावल यानी अक्षत अर्पित करें। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजा में कौन से फूल न अर्पित करें। वैसे तो भगवान शिव को सफेद रंग के फूल काफी पसंद होते हैं। ऐसे में उनकी पूजा में सफेद रंग के फूलों को जरूर चढ़ाना चाहिए। शमी का पत्ता, धतूरा, बिल्व, चंपा, चमेली आदि के पुष्प पूजा में चढ़ाएं। लेकिन गलती से भी उन्हें केतकी का फूल न चढ़ाएं। केतकी का फूल भगवान शिव को पूजा में स्वीकार्य नहीं होता है। पूजा के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूजन के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे शांति एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। भगवान शिव पर दूध चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि दूध तांबे के लोटे में न डालें। इसके लिए स्टील के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवजी की पूजा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर नहीं उठना चाहिए। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं, तभी जलाभिषेक पूर्ण होता है। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूलकर भी ना करें। सोमवार के दिन यदि आप शिव पूजन में यह बताई गई कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।